हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां लालबाग इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा धमाका हुआ जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं। खबर मिल रही है कि गैस लीक की वजह से सिलेंडर में आग लगी और जोरदार धमाका हुआ जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं। दमकल की दो गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। लगातार मुंबई के लालबाग से बड़ी खबर। दीपेश त्रिपाठी मुंबई से जुड़ गए हमारे संवाददाता इस वक्त। दीपेश, क्या खबर है लालबाग इलाके को लेकर? जी शिखा, सुबह का समय था, सब लोग ज्यादातर घर पे ही थे और सुबह जब एक घर है, रिहायशी इलाका है ये लालबाग माना जाता है मुंबई का, यहाँ पे जो सारा भाई मेंशन करके एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर एक घर में सुबह गैस निकली सिलेंडर से और ये गैस जो है वो पूरे फ्लोर पे जो है फैलती गई और किसी को इसका अंदाजा नहीं हुआ और देखते ही देखते इस गैस लीकेज की वजह से है जो ब्लास्ट हुआ और जो आसपास के लोग थे और जो घरों में लोग थे वो इस आग की चपेट में आ गए। कुल 16 लोग इस आग की चपेट में आए, जो अभी तक अधिक आधिकारिक सूचना हमें फायर की ओर से मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, मुंबई के लालबाग से बड़ी खबर आई, गैस लीक की वजह से सिलेंडर में आग लगी और जोरदार धमाका हुआ।